करिए जी स्टार्ट। आज आप फिजिक्स से कुछ क्वेश्चन करने हैं, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन हैगा अपने कोल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोशन इज करेक्ट। ऑल द पीरियोडिक मोशंस आर नेसेसरीली सिंपल हार्मोनिक मोशंस। ऑल द सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर नेसेसरीली पीरियोडिक मोशंस। There is no correlation between simple harmonic motions and the periodicity of motion. Relation between simple harmonic motion and periodic motion depends upon the mass of object undergoing the motion. Simple harmonic motions hundiyan ki ne? Anyone in a louder awaaz jada explain kar de. एक्चुअली सिंपल हारमोनिक मोशन आर दोज मोशन जिड़िया एक फिक्सड मीन पॉइंट तो टू एंड फ्रो मोशन पेंडुलम द मोशन, ठीक है जी। सो सारी सिंपल हारमोनिक मोशन पीरियोडिक तो होगी बट सारी पीरियोडिक सिंपल हारमोनिक नहीं होंगी। फॉर एग्जाम्पल द रोटेशन ऑफ अर्थ, ठीक है जी, द रेवल्यूशन, दे आर पीरियोडिक बट दे आर नॉट सिंपल हारमोनिक, ठीक जी। सो साडा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इज दैट क्लियर। चला जी, सो सिंपल हार्मोनिक याद रखना है, फिक्स्ड मीन पोजीशन दे टू एंड फ्रो जेडी मोशन होएगी दैट इज कॉल्ड एज, यार फेयर एनेबल एडिटिंग प्लीज हेल्प मी विद दिस। चलो जी, चलिए जी ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन इज नॉट करेक्ट। केडी करेक्ट मोशन नहीं है, ठीक जी, करेक्ट मोशन करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। फोर्स नेवर अकर्स सिंगली इन नेचर, व्हेन द अर्थ पुल्स अ स्टोन डाउनवर्ड्स ड्यू टू ग्रेविटी द स्टोन एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द अर्थ। There is a cause-effect relation implied in the third law. There is no cause-effect relation implied in the third law. D. Third law सारे नु पता है? Single line answer. Should I explain third law? बहुत सारे नु आंदा है जी, कुछ कुछ नु नहीं भी आंदा। So to every action there is an equal and opposite reaction. इदा मतलब cause and effect relationship है। सो स्टेटमेंट डी इज नॉट द राइट स्टेटमेंट, ठीक जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज इंक्रीज्ड बाय टू टाइम्स, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच डिस्टेंस डबल करता है, द ग्रेविटेशनल फोर्स देन बिकम्स, फॉर्मूला पता है, लेट मी राइट इट जिन्होंने नहीं पता, ठीक जी। आज मैं लगता है सारे साइंस वाले ही रह गए हैं ना, नो, सो देन लेट मी एक्सप्लेन। यस यू आर फ्रॉम कॉमर्स आई गेस। सो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, ठीक जी। एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अगर अपन डिस्टेंस डबल करता आर द टू आर करता, सो द फोर्स वुड बिकम 1/4। चला जी, शुड आई मूव, चल, सो इट इज डिक्रीज्ड बाय 4 times, 1/4 हो जाएगी। अ लिक्विड इज केप्ट इन अ ग्लास बीकर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड कॉलम एट द बेस ऑफ द बीकर। कोई भी बीकर है उदे विच लिक्विड है, ठीक जी, द मॉलिक्यूल्स आर एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन द वॉल, ठीक है जी। सो प्रेशर द रिगार्डिंग केडी स्टेटमेंट जीडी है इज करेक्ट, द प्रेशर डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द बीकर। द प्रेशर जिन्होंने आंसर आंदा है प्लीज रेज योर हैंड्स, द प्रेशर डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द लिक्विड, द प्रेशर डज नॉट डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, and the pressure neither depends on the area of the base of the beaker nor on the height of the liquid column. Yeah.
इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्टेटमेंट्स. सो हाँ एक्चुअली इनकरेक्ट होना चाहिए, नीदर डिपेंड्स. सो पी इज इक्वल टू प्रेशर इज इक्वल टू रो एच जी. इट डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम. जी की है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपाई थे लबनी है, करेक्ट लिखे तो इनकरेक्ट कर लेना. इनकरेक्ट स्टेटमेंट इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द हाइट, इट डज डिपेंड. ठीक जी, दो रो दे डिपेंड है, विस्कोसिटी दे डिपेंड है, डेंसिटी दे डिपेंड है, एच दे डिपेंड है. सो प्रेशर डज नॉट डिपेंड, इट डज डिपेंड. एवी करेक्ट, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक जी, सो करेक्ट स्टेटमेंट इज इट डिपेंड्स ऑन द हाइट ऑफ द कॉलम. करेक्ट स्टेटमेंट बी, बाकी सब इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स. रो एच जी इधर तो रिलेटेड क्वेश्चंस होर भी पूछे जाते हैं प्रेशर तो रिलेटेड. इट डज नॉट डिपेंड, आई एम अगेन सॉरी, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया. ठीक जी, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर, राइट. सो रिमेंबर द फॉर्मूला पी इज इक्वल टू एच रो जी. ओके जी, चलो. If an object moves at a non-zero constant acceleration for a certain interval of time, then the distance it covers in that time is, it depends on its initial velocity, it is independent on its initial velocity, it increases linearly with time, it depends on its initial velocity, initial displacement. ए डी सोचो, कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन का मतलब की है, नॉन जीरो है और कॉन्स्टेंट है, मतलब यस कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन एक्चुअली है कि इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. अपन ए नु की लिखी है, ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी, राइट. एक्सलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. नॉन जीरो है तो मतलब जीरो नहीं है, कॉन्स्टेंट एक्सलरेशन है, चेंज हो रही है विद इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. जो भी चेंज है, बेशक इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, दैट इज इक्वल इन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. याद रखना अपने को सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. सो द डिस्टेंस कवर्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम. इंक्रीज लीनियरली नहीं करेगी, ब्रादर इट विल पैराबोलिक पाथ फॉलो करेगी. ठीक जी, सो इट इज डिपेंडेंट अपॉन द इनिशियल वेलोसिटी. यू ते डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि चेंज सेम है इन द इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. देन इट इज कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन. क्लियर जी, शुड आई मूव अहेड? The area in the surrounding of any charge in which its influence can be experienced by other charge is called as electric field. Electric current is the amount of charge flowing through a particular area in unit time. Both the statements are correct. I is equal to Q upon और जो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड है जिधर आले दुआले दन सराउंडिंग एरिया है. ठीक जी, जिससे इन्फ्लुएंस फील होएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम इनर्शिया. इनर्शिया द कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लिए. व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, कि एन ऑब्जेक्ट विच इज इन मोशन रिमेन्स इन मोशन अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू इट. जेड़ा रेस्ट ते है दैट विल रिमेन एट रेस्ट जब तक कपा कोई एक्सटर्नल इम्बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करांगे. ठीक, सो इनर्शिया एक इनेट कैपेसिटी है किसी भी ऑब्जेक्ट की एंड इट इज द मेजर ऑफ इट्स मास, कितना मैटर ऑक्यूपाई करता है. सो मोर द मास मोर इज द इनर्शिया. एंड लाइकवाइज एक ट्रक नु धक्का मारना इज मोर डिफिकल्ट रादर देन जस्ट मूविंग दिस पेन. ठीक जी, सो इनर्शिया मैक्सिमम होएगा जितने मास ज्यादा होएगा. Atom, molecule, 1 rupee coin, a cricket ball. So question, yes, it is a cricket ball. The answer is cricket ball. Should I move ahead?
इनर्शिया रेडियस पे नहीं डिपेंड करता, इट इज एन इनर्ट कैपेसिटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा, नॉट द रेडियस ऑफ दैट, ठीक जी। और इनर्शिया दो तरह का होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। इट इज सिंपल एग्जाम्पल्स जिन्हें अपन डेली लाइफ से एक्सपीरियंस करते हैं। एग्जैक्टली, वेन अ फास्ट मूविंग कार टर्न्स यू टेंड टू फॉल इन द साइड, एंड जब एक स्टॉप स्टेशनरी बस मूव कर दी है यू टेंड टू फॉल बैक, ठीक जी। सो दिस इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ओके जी। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ फ्लूइड एट रेस्ट इन अ कप इज और आर करेक्ट? प्रेशर इज द सेम एट ऑल द पॉइंट्स इन द फ्लूइड, प्रेशर इज एक्सर्टेड ऑन द वॉल्स, प्रेशर एग्जिस्ट एवरीवेयर इन द फ्लूइड। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड। आंसर ऑप्शन बी, 2 and 3। हम फर्स्ट स्टेटमेंट देखो, प्रेशर इज सेम एट ऑल द पॉइंट्स इन द फ्लूइड, ऑल द पॉइंट्स द सेम नहीं होएगा, रादर एट अ पर्टिकुलर हाइट जितने पॉइंट्स होंगे उतने सेम होएगा, अगेन एच रो जी, ठीक जी। सो इट इज अप्लाइड ऑन ऑल द, अप्लाइड ऑन द वॉल एंड इट एग्जिस्ट एवरीवेयर, ठीक। और छोटी क्लासेस से आपको बीकर वाला एक्सपेरिमेंट भी कितना है, निचले होल तो सब तो दूर पानी जाएगा, राइट जी। सो इट इज डिपेंडेंट ऑन, इट इज, इट एग्जिस्ट एवरीवेयर बट डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स, सो ऑप्शन बी। चलो जी, इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स विद कॉन्स्टेंट वेलोसिटी देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट? इट्स मोशन इज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, इट्स स्पीड चेंजेस विद टाइम, इट्स एक्सेलरेशन इज जीरो, इट्स डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम। Which of the four statements is not correct? Yes, its speed changes with time. Constant velocity hai, that means what is speed? Speed, what is velocity? Velocity is speed with time. Jado velocity change nahi ho rahi, speed change nahi ho rahi. Haan, speed plus direction, it is a vector quantity. Theek hai ji, main kuch galat bolta, I said something else. So it is a vector quantity, velocity is a vector quantity, speed is a scalar quantity jide vich sirf aur sirf magnitude hai, no direction. So if it is constant velocity, so speed bhi change nahi hogi, theek ji. So option B. Pichle question ka answer, haan ji, iska answer bache 2 and 3, I said option B, 2 and 3. Should I move ji? Which one of the following statements is true for the relation F is equal to G M1 M2 upon R square? All the symbols have their usual meaning, yani ki gravitational force, gravitational constant, M1 M2 mass of the two objects jina which force pe apply ho rahi hai, and R is the distance between them, theek ji. So the quantity G depends upon the local value of acceleration due to gravity, the quantity G is greatest as the at the surface of Earth. The quantity capital G is used only when Earth is one of the two masses. Quantity G is a universal constant. Option D, it is a universal constant. The value fixed hai. ठीक है जी, 6.67 into 10 raised to power minus 11. ठीक है जी. Next question, which one of the following statements is not true? The gravitational force of Earth acting on a body of mass 1 kg is 9.8 newtons. The force acting on an object of mass 5 kg moving with a uniform velocity of 10 meter per second on a frictionless surface is 0. SI unit of weight is kilograms. The momentum of a man having a mass of 100 kilograms walking with a uniform velocity of 2 meter per second is 200 newton second. See, baki sub statements correct ne, kyun correct ne? Frictionless surface, no force is acting, the force is zero. Theek hai? Halaki eventually it is a theoretical thing, frictionless surface. Momentum, the formula, P is equal to M into V. So 100 into 2, 200 newton second. So C, the SI unit of weight is newtons. W is equal to M into G.
वेट एंड मास दे विच डिफरेंस है। क्लियर जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीजेज विद एल्टीट्यूड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ डेप्थ अज्यूमिंग अर्थ टू बी अ स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, acceleration due to gravity decreases with increase of latitude, acceleration due to gravity is independent of the mass of earth. दसो जी। so g जेड़ा है it depend करता है, g is maximum at the poles, g is equal to capital G m over r square. Earth पूरी गोल नहीं है, ठीक है जी, it is oblate flattened है, so r here would be less as compared to r at the equator, so poles ते की होएगी r less g maximum. जिवें जिवें ऑल्टीट्यूड इंक्रीज होएगा जी दी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, एंड लाइक वाइज जो डेप्थ डेप्थ च भी जावांगे इट इंक्रीजेज जी डिक्रीजेज, ठीक जी, और लैटीट्यूड वाला भी देख लो, ठीक जी, लैटीट्यूड वध रहा है जी दी वैल्यू भी वध रही, क्लियर जी, सो आंसर हेयर इज इट इज ए करेक्ट स्टेटमेंट. चलें जी अगे, श्योर ए फॉर्मूला याद रखोगे, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर तो ध्यान रखोगे, क्लियर. टू बॉडीज ए एंड बी आर मूविंग विद इक्वल वेलोसिटीज, द मास ऑफ बी इज डबल दैट ऑफ ए, मास जेड़ा है वो डबल है, बी दा डबल है मास एज कंपेयर टू ए, इन दिस कॉन्टेक्स्ट which one of the following statements is correct? Momentum the formula p is equal to m into v, eda matlab p is directly proportional to m, agar object da mass double ho rahe hai to da momentum bhi double ho jayega, so momentum of b would be double that of a, simple question, theek ji. अच्छा एक ना आपां स्टार्टिंग च जिवें क्वेश्चन कीता सी वधना या घटना, एक काइनेटिक एनर्जी तो रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, राइट, सो काइनेटिक एनर्जी इज, बिल्कुल जी, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, सो वी डबल हो रही है तो काइनेटिक एनर्जी की हो जाएगी 4 times, इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं, नॉट द एग्जैक्ट न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, ओके. हाँ बिल्कुल बच्चे, बिल्कुल, मैं पहले ही दसिया, दिस इज अर्थ, ठीक जी, इट इज फ्लैटेंड एट द पोल्स, बल्जिंग इन द इक्वेटर, इक्वेटर ते बाहर बल्ज कर रही है, सो रेडियस दिस इज लेस एज कंपेयर टू दिस रीजन, ठीक जी, तुसी इत्थे की करोगे, पोल्स ते रेडियस लेस है, सो जी वुड बी मोर, बट इवेंचुअली इनक्रीजिंग होन ते जिदा जिदा हाइट इंक्रीज होती जाएगी इट विल इंक्रीज, एंड वेन यू मूव आउट ऑफ द इट इज जी इज अगेन द जीरो, क्लियर जी, चला चल. इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिफरेंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस फ्रॉम इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज स्ट्रॉन्गर देन अदर टू, ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव ओनली वेयर एज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस आर अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, gravitational force has a very short range, gravitational force is a long range force while the other two are short range forces, b is the right answer, theek ji, kyunki gravitational force sirf attractive hai jabki electric aur magnetic forces repulsive ho sakti hai, we know the rules, like magnets like poles repel, theek hai ji, magnetic force and electric force same charges repel. Which one of the following statements is not correct? Weight of the body is different on different planets. ठीक जी, mass of body on the earth, on the moon, and in empty space is the same.
weightlessness of body occurs when the gravitational forces acting on it are counterbalanced. Obviously, the udon weightlessness experience hundi hai. Weight and mass of body are equal at sea level and on the surface of earth. This is incorrect. Again, W is equal to M into G. So, G di value farak ho jayegi, weight different ho jayega. Should I move ahead? Chalo ji. Which one of the following is not a result of surface tension? Now, what is surface tension? Surface tension basically is due to cohesive and adhesive forces. ठीक जी, so generally याद रखना the circular or the spherical shape has the lowest surface tension. So every drop of water, every liquid tries to gain that shape. ठीक जी, so surface tension is not a result of flow of liquid. Flow of liquid depend करते हैं viscosity पे. How the two layers they slip and slide over each other. ठीक जी. So nearly spherical drop of rain surface tension pe depend karegi. Capillary rise is because of surface tension and removal of dirt by soap. Evi appa padhya si. This is because of the surface tension. Let's move. Match list 1 and list 2. First is distance and distance the nal ki match karange light year. Theek hai ji? Amount of material moles. कल अपन मोलारिटी कितनी सी मोल्स. अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलम्स. एनर्जी द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज किलोवाट आवर्स. ठीक जी, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए. इन अ क्रिकेट मैच अगेन सिंपल क्वेश्चन. व्हाइल कैचिंग अ फास्ट मूविंग बॉल अ फील्डर इन द ग्राउंड ग्रेजुअली पुल्स हिज हैंड्स backwards with the moving ball to reduce the velocity to zero. This is a 10th class question. Theek ji, the act represents second law because we are gradually increasing the time. Theek hai ji, taki impact cut ho jaye. Theek ji, if the motion of an object is represented by a straight line parallel to the time axis on a distance time graph. डिस्टेंस टाइम ग्राफ के उत्ते किसी ऑब्जेक्ट द मोशन जेड़ा इट इज प्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस देन द ऑब्जेक्ट अंडरगोस सोचो हाँ वेलोसिटी कांस्टेंट है दैट मींस एक्सेलरेटेड एक्सेलरेटेड मोशन तो नहीं हो जाएगी अ यूनिफॉर्म नॉन जीरो वेलोसिटी मोशन. ठीक जी, चलो जी, should we move to the next question? Ball bearings are used in bicycles, cars, etc. because the actual area of contact between the wheel and axle is increased. बिल्कुल, ball bearings use ही अपा कर दिया to reduce friction. Friction is what? It is an opposing force. ठीक है, जिधर wear and tear cause करता है between two objects which are in close contact with each other. It opposes motion. Let me read the statements. The actual area of contact between the wheel and axle is increased. The effective area of contact between the wheel and axle is increased. So the effective area of contact between the wheel and axle is reduced, which reduces the friction. Oiling de naal bhi apai kar diya, theek hai ji? So none of the above statements. Answer is option C. Consider the following statements. When a gun is fired, it recoils. That is, it pushes back with much less velocity than the velocity of the bullet. Velocity of recoiling gun is less because the gun is much heavier than the bullet. Which of the statements is correct? Sab to pehla tha, this is based on third law and conservation of momentum. Theek ji, so both the statements, conservation of momentum before and after the collision remains same, but jadon tusi gun recoil kar di, it just gives a jerk to your shoulder. So kyunki mass jada hai wo bullet da bahut cut hai. So both the statements are correct. Answer is option C. Next hai, when you get down from a running bus you seem to fall forward, why is that? Due to inertia of rest the road remains static and the bus continues to move. Due to inertia of motion, your feet come to rest, but your
body part continue to stay in motion, it has happened due to the law of gravitation, all the above. B option, it is inertia of motion, feet come at rest, but sari body baki jedi hai, it tends to remain in motion. Thik ji? Option B. अपन 25 क्वेश्चंस करने तो बाद थोड़ा ब्रेक देंगे, कुछ काम है इलेक्ट्रिकल ओदा, सो थोड़ी देर बाद कंटिन्यू करेंगे, देन वील गो एट अ स्ट्रेच. ओके, 20 मिनट दी अपा ब्रेक लवांगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द काइनेटिक फ्रिक्शन एंड द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्सेस. द काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स इज कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग एन ऑब्जेक्ट्स मोशन. द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स डज नॉट चेंज विद एन अप्लाइड फोर्स. The coefficient of static friction is less than the coefficient of kinetic friction. The static friction force is in the direction of net applied force. So, which of the following is true about the kinetic friction? बिल्कुल, ठीक जी, because काइनेटिक फ्रिक्शन कॉन्स्टेंट नहीं रहेगी, ठीक जी, इट विल ग्रेजुअली रिड्यूस. सो तीनों तरह की फ्रिक्शन, स्लाइडिंग, स्टैटिक एंड रोलिंग, दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक जी, व्हेन द ऑब्जेक्ट्स एक्चुअली कम इन मोशन, मूव करना शुरू हो जाते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्ड विद कैपिलैरिटी. कैपिलैरिटी अपन हमने किया सी, हाँ जी जी. काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज द फ्रिक्शनल फोर्स जो दो ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं. एज द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग, काइनेटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कट होता जाएगा, ठीक जी. बट व्हेन द स्टैटिक फ्रिक्शन इज देयर, उदो ऑब्जेक्ट स्टेबल है, ठीक जी, देन इट डज नॉट चेंज. जो तुसी अप्लाई करोगे फोर्स, इट विल चेंज, ठीक. एंड इट इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट काम करता है फ्रिक्शन हमेशा, डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो is or coefficient of static friction sliding, actually let's let me see the coefficient. If it true puchha hoya hai, it is not constant, kinetic friction constant nahi rehndi, ha, but ina vichu fir agar not true hoega, then it is c, it's not, it is true, kinetic friction is not constant, constant nahi rehndi, static friction force does not change with an applied force, it does change with an applied force. The coefficient of static friction is more, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट स्टेबल ने, यू हैव टू ओवरकम द रफनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट ताकि ऑब्जेक्ट मूव करे, इट इज मोर. सो स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ अ नेट अप्लाइड फोर्स, इट इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स. सो नन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू. आप किसी एक चेंज करेंगे तो सू ट्रू स्टेटमेंट मिलेगी. सो लैस की जगह इतने आप कर लेंगे मोर, ठीक जी. ओके जी, स्टैटिक फ्रिक्शन हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन. चलो कैपिलैरिटी, इट इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस. अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय पेपर टॉवल्स इज थ्रू कैपिलरी एक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कैपिलैरिटी. व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट. बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. लेटेंट हीट कॉरेस्पॉन्ड्स टू चेंज इन हीट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर ओनली, वॉल्यूम ओनली, प्रेशर ओनली, टेम्परेचर, वॉल्यूम, प्रेशर. सोचो लेटेंट हीट की होंगी है, एग्जैक्टली टेम्परेचर होएगा. वॉल्यूम ते प्रेशर ते डज नॉट डिपेंड. लेटेंट हीट इज द हीट जेडी यूज की जाती है. लेटेंट का मतलब है हिडन हीट विच इज यूज टू ओवरकम द forces of attraction, but temperature rise nahi karta. So that is latent heat. Okay ji, so it works at the constant temperature only. Theek ji, break. 26th question. Question padh la main. Answers are. Chalo, if x is the temperature of a system in Kelvin scale and y is the temperature of a system in degree Celsius, then the correct relation between them is x is equal to 273 plus y. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन फॉर्मूला है. चलना जी, पक्का
The rate of evaporation of a liquid does not depend upon the temperature, the surface area exposed to the atmosphere, its mass or its humidity. Mass. मास पे नहीं डिपेंड करेगा इवेपोरेशन, अपन कल भी पीता से, इट्स अ सरफेस फिनोमिनन, ठीक है जी. डिपेंड करेगा टेम्परेचर पे, डिपेंड करेगा सरफेस, एक्सपोज सरफेस एरिया पे एंड ह्यूमिडिटी पे. ठीक जी, चला, कोई प्रॉब्लम नहीं. सिंपल क्वेश्चन, ह्यूमिडिटी इज द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर. वाटर वेपर कितना है? जो वाटर वेपर ऑलरेडी ज्यादा है सो इवेपोरेशन की हो जाएगी, स्लो हो जाएगी. ठीक है, बरसात वाले दिन आज की होंगे कपड़े छेती नहीं सूखते, right? Because already moisture hai atmosphere. Which one of the following statements regarding a thermos flask is not correct? The walls of flask are separated by a vacuum and made of glass, which is a poor conductor of heat. The glass walls themselves have shiny surfaces. The surface of inner wall radiates good amount of heat, and the surface of outer wall absorbs some of the heat that is radiated from the inner wall. The cork supports are poor conductors of heat. Which of them is not correct? बहुत minute जा एक statement चे फर्क है जेड़ा नहीं होना चाहिए. So basically thermos flask कर दी की है. It keeps a hot liquid hotter for a longer period of time. ठीक जी, the three modes of जिड़िया heat transfer ने conduction, convection, radiation तीनों ही possible नहीं है. ताई it is a closed system जिधर जो कोई energy change नहीं है. So option C is not true about. ठीक जी, should I move ahead? चल, हो गया जी 32 + 9/5. ठीक है जी, चलो. Which one of the following can extinguish fire more quickly? Cold water, boiling water, or hot water, or ice? Fire extinguish currently या fire दे supporter जिधे ने वो कौन कौन है? Oxygen है, attainment of ignition temperature है. So basically जदों आपा पानी पाने हैं, what we are trying to do is आपा ignition temperature lower कर रहे हैं and air supply cut कर रहे हैं. नाउ जनरली नोशन की है कि कोल्ड वाटर पाओगे, जनरली भी अपन ही करते हैं, व्हेनेवर इट समथिंग कैचेस फायर अपन ठंडा पानी पा लेते हैं, बट इट शुड बी द बॉइलिंग वाटर. ऑन बॉइलिंग वाटर क्यों? बॉइलिंग वाटर क्यों? क्योंकि जब पानी पाते हैं, पानी की करता है, इट अब्सॉर्ब्स द हीट फ्रॉम दैट फायर एंड ग्रेजुअली टर्न्स इनटू वाटर वेपर और एक लेयर बना लेगा. पर जदों आप बॉइलिंग पानी पा रहे हैं, दैट मीन्स वो हुन वाटर वेपर जो हीट अब्सॉर्ब कर रहे हैं, दैट इज क्विकली नॉट चेंजिंग टू वाटर वेपर, और लेटेंट हीट जिहड़ी है उहदे विच ज्यादा है. दैट वाटर वुड बी इवेंचुअली क्विकली कन्वर्टेड इन टू वाटर वेपर. दैट वाटर हॉट बॉइलिंग वाटर, क्योंकि ऑलरेडी गर्म है, टेम्परेचर राइज करन से हीट नहीं यूज कर रहा, डायरेक्टली किते च कन्वर्ट हो रहा है वाटर वेपर दे विच. सो ज्यादा लेटेंट हीट होन करके बॉइलिंग वाटर इज बेटर फॉर द एक्सटिंग्विशिंग ऑफ फायर. जनरली नोशन कोल्ड वाटर का होंगे, बट कोल्ड वाटर की करेगा अटेनिंग दैट पर्टिकुलर टेम्परेचर, उस तो बाद वाटर वेपर से कन्वर्ट होएगा. अपा एक स्टेप पहले ही हटाता, वाटर इज ऑलरेडी हॉट, नाउ वॉट एवर हीट इट इज अब्सॉर्बिंग फ्रॉम दैट फायर, इट विल डायरेक्टली कन्वर्ट इन टू वाटर वेपर इजिली. सो cutting off the supply, forming a layer, and thus extinguishing the fire. Clear? Should I move? So answer is boiling water. हाँ जी. हाँ, hot water में और boiling water में temperature difference है. So more the temperature, less जल्दी जल्दी conversion होएगी into water. ठीक जी. Then perspiration या sweating cools the body because presence of water on the skin is cooling. Evaporation requires latent heat. Water has high specific heat. Water is a poor conductor of heat. B option, जड़ी मैं हुन गल कीती, जनरली की हुंदा है, अब्सॉर्ब करेगा साडे स्किन दी हीट, लेटेंट हीट यूज करेगा, हिडन हीट जड़ी टेम्परेचर नहीं बढ़ाएगी, इट विल जस्ट प्रोड्यूस अ कूलिंग इफेक्ट. लाइकवाइज इन दैट फायर केस ऑल्सो. ठीक जी, लोअरिंग ऑफ टेम्परेचर हो जाएगा. The absolute zero, that is temperature below which is not achievable, is about
बी ऑप्शन. इट इज -273 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस. वैसे इन अ लो टेम्परेचर नॉट एबल टू, वी आर नॉट एबल टू अचीव दैट, नियर पहुंचे हैं. सो बेसिकली scientists are trying by demagnetization, by using other cryo coolers, but we have not been able to attain this absolute zero temperature. So absolute zero, agar sanu Kelvin de vich puch le, zero Kelvin, and in Celsius it is -273 degree Celsius. Clear ji? Should I move? Chal. Which one of the following statement is not correct? The Kelvin scale of temperature is called absolute scale. Visible light radiation has wavelength 400 to 700 nanometer. The capacity to do work is called power. The wavelength of gamma rays is less than that of X-rays. Socho. Which of the following statement is not correct? Kedi correct nahi hai. See, electromagnetic spectrum thoda ja yaad hai, wavelength bare. Haan. Electromagnetic spectrum sab to idhar, with the highest wavelength ithe increase kar rahi hai. Radio waves, jehdi apa communication je use karde hain, theek hai ji, satellite communication. Then there is infrared waves, ठीक है जी. Then there is visible light, जिहड़ी आपां 400 to 700 nanometer, जिहदे अंदर सारा विबग्योर आंदा है साडा, ठीक जी. वायलेट तो इधर यूवी, then इंफ्रा इधर जी गामा, एंड द मोस्ट पेनीट्रेटिंग पार किहदी होएगी, जिदी एनर्जी ज्यादा होएगी. सो एक्स रेज हैव द मोस्ट एनर्जी एंड दे आर मोर पेनीट्रेटिंग, ताई अपा एक्स रे मशीन यूज करते हैं, बिकॉज दे कैन पेनीट्रेट द बॉडी एंड गिव अस अ व्यू ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर्स. सो दिस इज ईएम स्पेक्ट्रम और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ठीक जी. हो गया ड्रॉ, चला. Consider the following statements about latent heat of fusion. बहुत बार discuss कर लिया अपा. The latent heat for a solid liquid state change is called as latent heat of fusion. बिल्कुल सही गल है, from the change of solid to liquid without rise in temperature. It is used up in overcoming the force of attraction between the particles. ताही temperature rise नहीं होता. Clear जी? So which of the statements are correct? Both the statements 1 and 2 are correct. Chala ji? Chal. Which one of the following is not a property of X-rays? They are deflected by electric fields. They are not deflected by magnetic fields. They have high penetration length in matter. Their wavelength is much smaller than the visible light. They are not deflected by the magnetic field. Are they deflected? Yes. ठीक है जी. So B option. ठीक है जी. चल. Which one of the following is not true about the image formed by plane mirror? Plane mirror वही जेड़ा आपा करे looking mirror use करते हैं. ठीक जी. It is of the same size as that of object. It is laterally inverted. It is a real image. It is formed as far behind the mirror. Yes, it is a virtual image. ठीक जी. That means you cannot obtain it on screen. तो उसी उन्हों स्क्रीन पे नहीं obtain कर सकते. So option C. Laterally inverted, right becomes left and left becomes right. ठीक जी. चलो. कौन सा बेटा? D D. The fighter. जिन्नी तुसी mirror दे जिन्ने कोल जिन्ने suppose this is mirror. ठीक जी. ऑब्जेक्ट जो तुसी 3 सेंटीमीटर दूर रखे है ना, इमेज भी इधर 3 सेंटीमीटर ही बनेगी. और क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज इन केस ऑफ अ प्लेन मिरर. और बच्चे जनरली गलत कर आंदे ने, 3 सेंटीमीटर लिखा आंदे ने. ऑब्जेक्ट ते इमेज दे विच डिस्टेंस पूछे 3 + 3 = 6. जे मैं इनू 10 मीटर कर दांगी, इमेज भी 10 मीटर दूर हो जाएगी. ठीक जी. बिहाइंड द मिरर.
Which one of the following phenomenon verifies the fact that light travels much faster than sound? Twinkling of stars in night sky, lightning of a matchstick, thunderstorm, and mirage. Thunderstorm. ठीक है जी, speed of light जड़ी है वो ज़्यादा है than the sound बाचे आवाज आई. बिल्कुल सही कहा जी. आजो अगला क्वेश्चन करिए. Should I move? चंगा कितना समझाता. ठीक है, अगली बारी जो तू बदल करके ना आवाज आ जाएगी, बात जाएगी. चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट ट्रू अबाउट द साउंड वेव्स? दे आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, दे कैन प्रोपेगेट थ्रू वाटर, स्पीड ऑफ साउंड वेव्स इज इन स्टील इज मोर देन इट्स स्पीड इन एयर, साउंड वेव्स कैन प्रोपेगेट थ्रू वैक्यूम. बिल्कुल जी, बी डेल्टा. साउंड वेव्स नो हमेशा एक मटेरियल मीडियम चाहिए है अपने प्रोपेगेशन वास्ते. ठीक है जी, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स. ठीक है जी, द फिनोमिनन यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एनर्जी, एक्सप्लेन कौन करेगा? यस, यस, बिल्कुल सही. की क्या जी, अपा जनरली जो टी आई आर की गल करते हैं अपा टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन की, वी कॉल इट एज अ स्पेशल केस ऑफ रीफ्रैक्शन. की कही दू, स्पेशल केस ऑफ रीफ्रैक्शन. हूँ रीफ्रैक्शन की है, जो लाइट लाइट रेस ट्रैवल करनगियां फ्रॉम वन मीडियम टू अदर. ठीक है जी, स्पेसिफिकली इन केस ऑफ टी आई आर, डेंसर मीडियम तो डेंस मीडियम है, डेंस मीडियम तो रेयरर मीडियम के विच ट्रैवल कर रहा है. दिस इज नॉर्मल. जनरली की होंगे जो डेंस टू रेयर मूव कर रही है लाइट रे, की होएगा? इट मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल तो दूर चली जाएगी. ठीक जी, दूर चली गई. एक टाइम यह आया जो एक क्रिटिकल एंगल, कुछ क्रिटिकल एंगल इन क्यों किया? बिकॉज दिस इज द एंगल वेयर दिस रिफ्रैक्टेड रे, जी रिफ्रैक्टेड रे है, दैट फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. हूँ जो इस तो ज्यादा एंगल बन गया इंसिडेंट एंगल मोर देन दिस क्रिटिकल एंगल, की होएगा? दिस वेव विल रिटर्न बैक टू द सेम मीडियम एंड दिस इज कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. फिर बोल रही हूँ, दोबारा सुनो, कंडीशंस की चाहिए हैं, बिकॉज जनरली मिराज से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक, सो डेंसर मीडियम तो रेयरर मीडियम लाइट का ट्रैवल करना जरूरी है, इंसिडेंट एंगल ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए. हम क्रिटिकल एंगल की है, द एंगल एट विच द रिफ्रैक्टेड रे बिकम्स 90 डिग्री, यानी कि सरफेस से रिफ्रैक्ट हो रही है. जे हूँ इस तो ज्यादा इंसिडेंट रे इंसिडेंट एंगल बन गया, ए वाली रे ऊपर जाने की बजाय, मतलब दूजे मीडियम च जाने की बजाय, इट विल कम बैक टू द सेम मीडियम. सो बेसिकली दिस इज अ स्पेशल केस ऑफ रिफ्रैक्शन कॉल्ड एज टोटल इंटरनल रिफ्लैक्शन. और ऑप्टिक फाइबर्स यदि सब तो वड्डी जिहड़ी है एप्लीकेशन. ठीक जी, चलो. सो ए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्लियर जी? शुड आई मूव? चलो, व्हेन अ बीम ऑफ व्हाइट लाइट पासेस थ्रू अ ग्लास प्रिज्म, द कलर ऑफ लाइट बीम दैट डेविएट्स द लीस्ट, ठीक है जी, विच डेविएट्स द लीस्ट इज रेड. रेड जेड़ा है लीस्ट डेविएट करता है, दिस इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट. ठीक जी, एंड दैट्स व्हाई रेड अपा यूज करते हैं. ठीक जी, ट्रैफिक लाइट्स वास्ते, सो दैट इट कैन बी सीन फ्रॉम फार अवे, दूरों नजर आ जाए. ओके दिव्य, और पता है सारे, शुड आई ड्रॉ शुड आई मूव? चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैज द मैक्सिमम एनर्जी? हुने अपा कीता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ठीक जी, जिदी वेवलेंथ ज्यादा उदय की हो जाएगी, कट हो जाएगी. ओके, सो एक्स रेज हैव द मैक्सिमम एनर्जी, मैक्सिमम पेनिट्रेशन पावर. जिथे गामा होंदा ते अपना आंसर गामा हो जाना सी. ठीक जी, मूव. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मटीरियल मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर इज करेक्ट? With respect to air, okay?
इट कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, इट कैन हैव जीरो वैल्यू, इट इज यूनिटी फॉर ऑल मटीरियल, मतलब एक है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन. करेक्ट स्टेटमेंट लगनी है विद रिस्पेक्ट टू एयर. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंदा की है, इट इज दिस बेसिकली जदों आप रिफ्रैक्शन के बारे पढ़ते हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम. ठीक जी, म्यू विच इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द स्पीड ऑफ लाइट रेशियो है, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम ओवर दैट मीडियम. और जनरली आप मन के की चलते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन एयर और वैक्यूम कंपेरेबल एज कंपेयर टू एनी अदर मीडियम, सब तो फास्ट वो ट्रैवल करती है. सो ऑब्वियसली उपर वाला नंबर वड्डा है, नीचे वाला नंबर छोटा है, आंसर हमेशा की आएगा वन तो ज्यादा ही है. क्लियर जी? एंड इट कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव. नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है जी, क्योंकि नेगेटिव च स्पीड नहीं है. इट कैन हैव जीरो वॉल्यूम वैल्यू, जीरो वैल्यू हले तक तो नहीं आया बिकॉज वो ना इनफाइनाइट वेवलेंथ चाहिए है, एंड दैट इज समथिंग बियॉन्ड द फोर स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है जी, यूनिटी फॉर ऑल मटेरियल्स नहीं होएगा, दोनों कैंसिल नहीं होंगे. ठीक है जी, शुड आई मूव, यह चीज ध्यान रखना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर ओवर वेलोसिटी इन दैट मीडियम, और यह भी सानू पता है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम इज द मैक्सिमम. ओके, चल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लासेस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. हाँ, कॉन्वेक्स लेंस ना बेसिकली हमेशा याद रखना डिमिनिश्ड इमेज बनाएगी, वर्चुअल इमेज बनाएगी और इरेक्ट इमेज बनाएगी बिकॉज द रेज जिहड़ियां पैरेलल रेज ने, ठीक जी, दे अपीयर टू मीट, दे नॉट एक्चुअली मीट. ठीक, सो बिल्कुल ये बनाएगा वर्चुअल इमेज बनाएगा, इरेक्ट इमेज बनाएगा, इन्वर्टेड इमेज नहीं बनाएगा. ठीक, डिमिनिश्ड इमेज बनाएगी, इट विल नेवर फॉर्म एन इन्वर्टेड इमेज. The image moves towards the focus, it will virtual. This is also a correct statement. यार मेरे को confused कर दिया. एक second. Diminished image बनाते हैं convex हमेशा, और let me check it and then I'll get back. ठीक है जी, मैं बता दूंगी अभी थोड़ी देर में इसको, next question करते हैं. ठीक, चलो, नहीं तो मैं इसको डिस्कस कर दूंगी मिरर्स और लेंसेज को दोबारा से. ओके, चल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ग्लासेस इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. केड़ा ग्लास? फ्लिंट ग्लास. हाँ बिल्कुल, बताती हूँ. जो पायरेक्स ग्लासेस हैं और हार्ड ग्लासेस हैं बच्चे, लिसन, दीज पायरेक्स ग्लास इज अ टाइप ऑफ हार्ड ग्लास. सो बेसिकली दीज आर बोरोसिलिकेट ग्लासेस विच कैन, जिन्हें थर्मल एक्सपेंशन घट है, दे कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर चेंज. जेडे आप बोरोसिल ग्लासेस यूज करते हैं, दैट इज पायरेक्स ग्लास, एंड इट इज अ टाइप ऑफ हार्ड ग्लास. सॉफ्ट ग्लास के विच सोडियम कार्बोनेट यूज होंगे, लाइम ग्लेस यूज होंगे, इन्हों सोडा लाइम ग्लास भी कहने, एंड दे कैन नॉट टॉलरेट मच ऑफ चेंज इन टेम्परेचर. यानी कि ईजिली यूज तो करते हैं, पर जनरली बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट विंडो पेन्स के विच इन्हों यूज करते हैं, और नॉर्मल जी सा क्रॉकरी वो भी, बट दे के नॉट टॉलरेट मच चेंज इन टेंपरेचर. बट फ्लिंट ग्लास की करता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है, शाइनी है, सो इट इज यूज इन मेकिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. जेडे साडे टेलीस्कोप्स ने, माइक्रोस्कोप्स, उन्होंने लेंसेज बनाने के विच दिस ग्लास इज यूज. ठीक जी, फ्लिंट ग्लास इज यूज इन मेकिंग एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइसेज. एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइसेज बनाने के विच काम आते हैं ओइंग टू इट्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन शाइनी सर्फेस. चलो, पायरेक्स ग्लास एंड हार्ड ग्लास, दे आर वन टाइप ऑफ ग्लास. हार्ड ग्लास उस ग्लास होंदा है जिदे विच बोरोसिलिकेट कंपाउंड्स यूज होंदे ने. आपा करे बोरोसिल दा ग्लास यूज करदे आ, उहदे च गरम भी पानी पा लो तां वी डजंट क्रैक. ठीक, दैट इज अ हार्ड ग्लास. पर जे आपा विंडो पेन्स दी गल करिए, दे आर सोडा लाइम ग्लासेस. इन्हां दे विच सोडियम कंपाउंड्स यूज होंदे ने, कैल्शियम ऑक्साइड, लाइम यूज होंदा है, सो दे आर चीपर. ठीक जी,
देन देयर इज फ्लिंट ग्लास. फ्लिंट ग्लास यूज करते हैं आप इन एस्ट्रोनॉमिकल डिवाइसेज, उन्होंने मिरर्स लेंसेज बनाने दे विच यूज करते हैं, ओइंग टू देयर ग्रेटर शाइनिंग एंड ग्रेटर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ठीक जी, चला पक्का. नेक्स्ट, द मिरर्स यूज्ड इन रेयर व्यू मिरर्स आर लिखे ही होंगे उसके ऊपर इवेंचुअली बिकॉज दे गिव अ वाइडर व्यू. ठीक जी, द फोकल लेंथ ऑफ लेंस ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन आई इज अबाउट, सोचो. ठीक जी, 25 सेंटीमीटर इन अकोमोडेशन ऑफ आई भी कही है. मिनिमम डिस्टेंस जिदे तक तुम किसी ऑब्जेक्ट को रखोगे ताकि वो इमेज बन पाए रेटिना के ऊपर. ठीक जी, चल. एंड द मैक्सिमम विच वी कैन सी इज अकोमोडेशन ऑफ आई दे विच इट इज इनफिनिटी. ठीक, मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर. द पर्सन विद विजन डिफेक्ट मायोपिया कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली क्योंकि इमेज रेटना ते नहीं बनती बिफोर रेटना बन जाती. ठीक जी, शॉर्ट साइटेडनेस इनू कहते हैं. ए, मायोपिया इज नियर साइटेडनेस वेयर द आई कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली. ठीक जी, हाइपरमाइट्रोपिया जेड़ा दूर दे ऑब्जेक्ट्स जेड़ा उन्होंने देख सकते. द मिरर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द टीथ ऑफ द पेशेंट्स क्योंकि दूजा तो डिमिनिश्ड इमेज बनाएगा अपन वड्डी इमेज चाहिए लास्ट इमेज. एग्जैक्टली, चलो जी नेक्स्ट, शुड आई मूव. चलो बी, कॉनवे, कॉनकेव. क्वेश्चन दो पार्ट्स से. द फॉलोइंग आइटम्स कंसिस्ट ऑफ टू स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू. एग्जामिन दीज टू स्टेटमेंट्स और फिर अपना आंसर देना है. ए है, की कह रहे हो, की कह रहे हो. आई एम जस्ट टेलिंग यू द ऑप्शंस एंड देन देयर इज क्वेश्चन. जस्ट अ सेकंड, उन्होंने स्टेटमेंट्स ही नहीं पाई. शुड आई स्पीक द स्टेटमेंट्स एंड देन यू तुसी पीडीएफ च ता पढ़ी लोगे उन्हों. आई विल स्पीक द स्टेटमेंट्स. ओके, चलो. क्वेश्चन इज 49. स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट टू में दे देनी है तुहानू. सो फर्स्ट स्टेटमेंट, जे दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट ने एंड स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ए आंसर देना है. बी, बोथ आर इंडिविजुअली करेक्ट बट टू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स. सी ऑप्शन दवांगे, स्टेटमेंट वन इज फॉल्ट बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू. ठीक जी, शुड आई मूव. चल, साडे कोल स्टेटमेंट केड़ी है. फर्स्ट है, ड्यू टू डिफ्यूज्ड और इररेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अ क्लोज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अ क्लोज्ड रूम गेट्स लाइट इवन इफ नो डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स इनसाइड द रूम. फिर सुनो स्टेटमेंट वन फिर दोबारा. ड्यू टू डिफ्यूज्ड और इररेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अ क्लोज्ड रूम गेट्स लाइट इवन इफ नो डायरेक्ट सनलाइट फॉल्स इनसाइड द रूम. स्टेटमेंट टू की कहती है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन where the reflected rays are not parallel does not follow the laws of reflection. sade kol do tarah di reflections ne, irregular and regular. from an irregular surface different rays they are not parallel. theek hai ji, parallel rays nahi ne, that is an irregular reflection. but jadon smooth surface hai all the rays they are parallel to. theek hai ji, this is regular reflection. reflected rays bhi parallel ho gaya. now statement says ki pehla apa ek kamre ch jadon light nahi hai, even if direct sunlight nahi aa rahi, phir bhi apa us kamre ch dekh paane ha. this is because of diffused reflection. kyunki jo bhi cheezan ode ch payi hai, table pe hai, chair pe hai, whatever, the different things are reflected light, reflecting light, and they are, this is a diffused or irregular reflection. स्टेटमेंट वन करेक्ट हो गई. स्टेटमेंट टू की कह रही है, इररेगुलर रिफ्लेक्शन वेयर द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल डज नॉट फॉलो द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. दिस स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? इट इज फॉल्स. पावे इररेगुलर रिफ्लेक्शन है या रेगुलर रिफ्लेक्शन है, द
लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड बाय बोथ द रिफ्लेक्शंस. ठीक जी, सो आंसर क्या हो जाएगा? सी. Which one of among the following waves bats use to detect the obstacles in flying path? कहाँ पे जी? Island of buffaloes नहीं है यहाँ पर. Actually geography के paper में वो करके उन्होंने वो करी तो इसलिए उसको आ गया. ठीक है जी, ultrasonic waves is the right answer. So यहाँ पर option लगाए. It is relating to geography. I really don't know. ठीक जी. Consider the following island of buffaloes. मैं भी जाके ऊपर पूछती हूँ, what is island of buffaloes? चलो जी. Scientific law and their description. Doppler effect with respect to, it is related to change in frequency of a wave to the wave source. Raman effect, change in the wavelength of light due to reflection. And then Boyle's law, relation between pressure of gas and volume of container. Boyle's, बताओ. Doppler effect होता है जब कोई मोशन है बिटवीन द सोर्स एंड द हीरर, चाहे वो साउंड वेव्स हैं चाहे वो लाइट वेव्स हैं. जैसे जैसे उनका डिस्टेंस पास होता जाता है इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, दैट इज डॉपलर इफेक्ट. ठीक जी, कोई ट्रेन अप्रोच कर रही है तो आपको उसकी आवाज जो है वो और क्लियर सुनने लग जाती है, एंड एज इट पासेस आवाज और कम हो जाती है, दैट इज डॉपलर इफेक्ट. क्लियर जी. नेक्स्ट इज रमन इफेक्ट. रमन इफेक्ट इज चेंज इन द वेवलेंथ ऑफ लाइट ड्यू टू डिफ्लेक्शन, इट इज रिलेटेड टू लाइट. ठीक है जी. Then Boyle's law. Boyle's law है for gases. याद रखना, अगर temperature और volumes, अगर temperature और amount same है, अगर किसी system में temperature और amount same है, so the pressure of gas is inversely proportional to the volume. अगर याद हो तो P1 V1 is equal to P2 V2. That is Boyle's law. So all the three statements are correct. Answer would be option C. चलिए आगे. Hypermetropia defects can be corrected by using a concave lens. Myopia defects can be corrected by using a convex lens. Presbyopia condition is associated with aging, in which the accommodating power of eye reduces. Which of the following statements is or are correct? उल्टा आ गया जी. हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय कॉन्वेक्स लेंस, एंड मायोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव. सो प्रेस बायोपिया जीडी, दैट इज बिकॉज ऑफ एजिंग व्हेन द मसल्स वीकन. ठीक है जी, कोलेजन कॉम्पोजिशन बदल जाती है, सो एजिंग नाल की है आईसाइट वीक हो जाती है. सो ओनली स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट. आंसर वुड बी ऑप्शन बी. हाँ, प्रेस बायोपिया जी किसी दोनों प्रॉब्लम है, मेट्रोपिया हाइपरमेट्रोपिया, बायफोकल लेंस यूज कर दें. कहीं चश्मे से देखे ना, दो लेंसेज होते हैं जी, बायफोकल लेंसेज. व्हाई लाइट इज सेड टू हैव अ ड्यूअल नेचर, एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ वेव्स एंड पार्टिकल्स, शो इट हैज बोथ, एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रेक्शन, इट हैज बोथ इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन. A, dual nature of light, light is made up of particles and it has wave nature. Particles of light are called as photons. ठीक जी, चल. A option. Next is, which of the following is necessary condition for total internal reflection? अपन ये सारियां conditions discuss कर ली हैं. ठीक जी, तो आपको points देते हुए ना, you will choose the correct answer. Say total internal reflection तो याद है, denser to rarer. ठीक जी, क्रिटिकल एंगल ना ज्यादा इंसिडेंस एंगल होना चाहिए और वापस उसे मीडियम से लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी. तो बंद कर दिया. कि देख, हाँ ऑब्वियसली रिफ्लेक्शन का तो टाइम ही है, स्पीड ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट, ता ही रिफ्लेक्शन होगी. इसको बंद कर दो.
स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस ता ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आंदा है जी, ठीक है जी, इन डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम मूव करे जी, एंड द रिफ्रैक्टेड रे मूव्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द सेम सोर्स, लेट हिम राइट एंड देन वी देन आई विल स्पीक द क्वेश्चन। चलन जी, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस्ड बाय द सेम सोर्स, यानी कि एको मैग्नेट तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट हुई है, दे नेवर इंटरसेक्ट, दे कैन ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम पॉइंट, दे कैन टर्मिनेट एट द सेम पॉइंट। याद है मैग्नेट सर्कुलर लाइंस ओरिजिन भी सेम होता है, दे एंड एट द सेम पॉइंट बट दे नेवर इंटरसेक्ट, कभी नहीं होंगे, और जिहड़ी वो लाइंस होंगियां उना दा डिस्टेंस जिहड़ा है वो चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड दी स्ट्रेंथ, ठीक जी। स्ट्रोंगर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोजर होंगियां, ठीक जी। सो इफ इट इज अ मैग्नेट सर्कुलर लाइंस होंगी है, they originate from the same point, they can end at the same point but they will never intersect, aur jehda distance hoega oh change ho janda hai, stronger the magnetism, stronger the magnetic field, closer ya denser are the lines, clear ji। let's move ahead, the resistivity rho of a material can be expressed in, rho resistivity kitna apa express kar sakde ha, rho is equal to r, r is equal to rho l upon a, r is equal to rho l upon a, rho ki hai resistivity, theek ji, l upon a length area of cross section, ede to related na bahut sare questions bande hai ke apa area of cross section bada diye ta resistance ko ki hoega, theek तुझे लिख लिया R is equal to rho L upon A, जे मैं area of cross section बता दांगी resistance would be lower, ठीक जी, length double कर दांगी resistance would be more, ठीक है जी। question की है थे, हाँ rho constant, ठीक है जी, resistivity constant होगी, resistivity R is the resistance, rho is the resistivity, resistivity temperature na change hundi hai but it is constant for a given material, conductors aur insulators di farak hai, theek ji, ede units kaddo, r is equal to rho l upon a, resistivity de units ki honge, value put karo, ohm meter, ohm meter, theek hai ji, resist change hundi hai but to a certain extent and then the कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो सेम रहे। चलो नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन अपने को है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ सोलेनोइड, व्हाट इज अ सोलेनोइड, कॉइल टर्न्स कॉइल विद अ सॉफ्ट आयरन कोर जिहड़ा मैग्नेटिज्म दे ले करदे आ, एंड हाउ डू वी इंक्रीज द मैग्नेटिज्म, इंक्रीजिंग द टर्न्स ऑफ द कॉइल, increasing the strength of the current and by moving the soft iron core inside or outside, this is the question, thodi ko statements given ne, which of them is correct kare, so tin cheeza te depend karega, number of turns, the amount of current and the movement of the soft iron core, theek ji, that's all kal, I have to check, I guess technology shuru karenge kal, theek ji, डिजीजेस वगैरह तो बहुत कुछ पूछा जाता है, ज्यादातर ना वैसे करंट पिछले जेडे अपना प्रीवियस पेपर्स ने जे जनरल साइंस की गल करिए ज्यादा बायोकेमिस्ट्री पूछी जाती है, फिजिक्स का थोड़ा घट आता है बेसिकली जड़ा जो पिछे ट्रेंड फॉलो हो रहा है, बट ट्रेंड्स आर चेंजिंग, जिम्मे आप बाकी एग्जाम्स देखिए ट्रेंड्स आर रियली चेंजिंग, पहला ना बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं, आंसर पता है तो ठीक है नहीं तो नहीं, हूँ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आने शुरू हो गए, सो लेट्स होप, लेट्स सी किदा ना पेपर आंदा है, ठीक जी। हुण तुसी टेक्नोलॉजी दे विच स्पेस डिफेंस जिहड़ी करंट हैपनिंग्स ने वो सारियां डिस्कस करोगे, ठीक है।